Hello students and welcome back to the second lecture of microprocessor and peripheral devices. It is actually based on the evolution of microprocessors. So hum start kate mechanical although it is not uh, very much relevant to the microprocessor but it's about if a processor is a calculating device is if it is if uh, it's just a function of a processor it's just a small function of a processor to calculate anything. सो लेट स्टार्ट विद द मेकेनिकल एज फर्स्ट ऑफ ऑल इन फाइव हंड्रेड बी सी एबोकस वॉज इन्वेंटेड ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था जिसका नाम हमने एबेक्स दिया था इट वॉज इन्वेंटेड इन फाइव हंड्रेड बी सी देन उसके बाद सोलह सौ बयालीस में मकैनिकल कैलकुलेटर गेयर्स एंड व्हील्स से बनाया गया था और ये ब्लेज पास्कल का इन्वेंशन था और उसके बाद चार्ल्स बैबर्स ने प्रपोज़ किया था 1823 में जिसको हमने नाम दिया था एनालिटिकल इंजन तो ये मैकेनिकल एज में आबिकस दैन मैकेनिकल कैलकुलेटर दैन एनालिटिकल इंजन ये इनका इन्वेंशन या डेवलपमेंट हुआ था और इसके बाद आई हमारे इलेक्ट्रिकल एज इलेक्ट्रिकल एज में पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन जिसको हम Z3 के नाम से जानते हैं ये 1941 में कॉन्ड जूज़ इन्होंने इन्वेंट किया था और पहला जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम 1946 में डेवलप हुआ था जिसका नाम था इनिया यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसके बाद हमारी आई थी माइक्रोप्रोसेसर की एज सो माइक्रो प्रोसेसर को हम डिपेंडिंग uh, कितने बिट का है या किस किस तरह से उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ प्रपोजल्स आए उसके बेसिस पे हम दो एज uh, में डिवाइड कर सकते हैं एक था अर्ली माइक्रो प्रोसेसर एज और दूसरा एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर एज तो अर्ली माइक्रो प्रोसेसर एज में इंटेल फोर ज़ीरो ज़ीरो फ़ोर एट जीरो ज़ीरो एट एट जीरो एंड एट जीरो एट फाइव ये माइक्रो प्रोसेसर आते हैं जिनमें से फ़ोर ज़ीरो ज़ीरो फ़ोर वॉज़ द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप बाई दी इंटेल एंड इट वॉज अ फोर बिट माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में अभी देखेंगे और इसके बाद जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एज था इसमें एट ज़ीरोट सिक्स एट ज़ीरो टू एट सिक्स एट जीरो थ्री एट सिक्स एट जीरो फ़ोर एट सिक्स ये सभी इंटेल के द्वारा बनाए गए माइक्रो प्रोसेस थे एंड दी पेंटीएम प्रोसेसर एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एज में आता है तो सबसे पहला वर्ल्ड का सबसे पहला माइक्रोप्रोसेसर वाज फोर जीरो जीरो फोर विच वॉज डेवलप बाई इंटेल और इसको नाइनटीन सेवेंटी वन में इंट्रोड्यूस किया गया था ये एक चार बिट माइक्रोप्रोसेसर था यानी इसकी जो डेटा बिट होता था वो सिर्फ चार बिट का होता था और पी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था इसका इसको बनाने का मेन टारगेट हमारा ये था कि हम इसको एज अ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं ओके okay? और इसके बाद 1972 में आठ बिट का कैलकुलेटर पहला आठ बिट का माइक्रो प्रोसेसर पहला आया था जो था आपका 8008 और उसके बाद आ, 8085 जो है वो इंटेल के द्वारा 1975 में इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी आठ बिट का माइक्रो प्रोसेसर था सिमिलर टू 8008 और लेकिन काफ़ी डिफरेंसेस थे जैसे कि इसमें क्लॉक साइकिल जो है वो 1.3 माइक्रो सेकेंड्स की थी और ये केवल पाँच वोल्ट पावर सप्लाई यूज़ करता था और इसकी मेन मेमोरी का साइज़ जो था वो सिक्सटी फोर के बी था देन एडवांस माइक्रो प्रोसेसर एज में इंटेल एट ज़ीरो एट सिक्स या एट ज़ीरो डबल एट आया तो एट ज़ीरोट सिक्स जो है ये नाइनटीन सेवेंटी एट में इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था और एट जीरो डबल एट नाइन्टीन सेवेंटी नाइन में इंट्रोड्यूस किया था ये दोनों ही सिक्सटीन बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं और इनकी मेन मेमोरी का साइज़ वन एम बी है और इसका जो क्लॉक साइकिल टाइम है वो चार सौ नैनो सेकेंड्स है देन गेम द इंटल एट ज़ीरो थ्री एट सिक्स इन नाइनटीन एटी सिक्स नाइनटीन एटी सिक्स में इंटल ने अनादा माइक्रोप्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया विच वॉज एट जीरो थ्री एट सिक्स इसका जो मेन मेमरी का साइज़ था अभी हम लोगों ने देखा के बी में था एम बी में था बट इसका जो मेन मेमोरी का साइज़ था वो जी बीज में था इट वॉज़ फोर जी बी और इसमें आईओ इन मतलब जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस थे वो काफ़ी इन्हांस्ड वर्जन के थे और इसमें मेमोरी uh, पेजिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी देन 1989 में एट इंट्रोड्यूस किया इंटेल ने इट वाज अ 32 बिट बेट माइक्रो प्रोसेसर राइट देखिए आप यहाँ पे देखिए इट वाज 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर एंड देन एट वाज फ़ोर एट सिक्स थर्टी टू माइक्रो इसका जो मेन मेमोरी का साइज़ था बिल्कुल एट की तरह फोर साइज़ का था और इसमें एक क्लॉक साइकिल में हाफ़ ऑफ़ द इंस्ट्रक्शन लगभग हाफ़ ऑफ़ द इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाते हैं और जबकि एट जीरो थ्री एट सिक्स में दो हो पाते हैं ठीक है तो इसके बाद आता है पेंटियम प्रोसेसर पेंटियम प्रोसेसर वाज़ इंट्रोड्यूस्ड इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री इट वाज़ टू टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसर देर इन देंटीएम थर्टी टू बिट का भी इनके पास था एंड सिक्सटी फोर बिट का माइक्रो प्रोसेसर भी था और एड्रेस बस इसका थर्टी टू बिट का था मेन मेमोरी साइज़ अगेन फोर जी बी थी और इसमें डबल क्लॉक वर्जन आया था जिसमें वन ट्वेंटी एंड वन थर्टी थ्री मेगा हज ये दोनों ही क्लॉक वर्जनस का यूज़ किया गया था और इसका जो फास्टेस्ट वर्जन था उसमें टू थर्टी थ्री मेगा हज क्लॉक का यूज़ हुआ था एंड इट वॉज अ डूअल इंटीजर प्रोसेसर इसके बाद इन नाइनटीन नाइन्टी फाइव प्रो पेन का एडवांस वर्जन आया विच वॉज पेन प्रो इट वॉज ऑल्सो थर्टी टू बिट माइक्रो प्रोसेसर इसकी मेन मेमोरी का साइज़ वॉज सिक्सटी फ़ोर जी बी इसमें डेटा बस जो था वो सिक्सटी फोर का था और एड्रेस बस थर्टी सिक्स का था और इंटेल ने इसको सर्वर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्च किया था बेसिकली इसका जो पर्पज़ था फॉर लॉन्चिंग वॉज फॉर सर्वर मार्केट देन केम द पेंटियम जियोन वर्जन तो इसकी खासियत क्या थी कि फ़ोर हंड्रेड मेगा हर्ज पेंटियम प्रोसेसर ये था जो कि बेसिकली वर्क स्टेशन और एंटरप्राइज सर्वर्स सर्वर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिज़ाइन किया गया था एंड इंट्रोड्यूस किया गया था और ये मल्टी मीडिया एप्लीकेशन ग्राफिक्स इंटरनेट और लार्ज डेटाबेस सर्विस के लिए सर्वर के लिए डिज़ाइन किया गया था सो so, इस तरह से हमने देखा कि इवोल्यूशन जो हुआ हमारा माइक्रो प्रोसेसर का थ्रू द मैकेनिकल एज देन द इलेक्ट्रिकल एज विच वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर ऑफकोर्स एंड देन माइक्रो प्रोसेसर को uh, किस किस से चार कैसे कैसे चार बिट से लेके आठ बिट एंड फर्दर और थर्टी uh, टू बिट सिक्सटी फोर बिट्स इस तरह के माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किए